सकेशन का इलाका यहाँ पे चलते हैं, अभी कहाँ लेके जा रहे हैं देखते हैं। क्या तोड़ रहे हो यहाँ पे भाई? ये तुम्हारे लिए कड़ी पत्ते के। अच्छा, ऐसे में कड़ी पत्ते ताजा ताजा ओ... क्या कर सकते हैं अशर भाई, गाड़ी में बूस्टर तो लगा नहीं सकते। क्या कर सकते हैं बेटा, देखा एक सुजुकी यू 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 करके गई। बैठो जल्दी बैठो यार। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग करते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने अशर मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे कर दो। तो यार आज का ये सीन था, अभी उठा हूँ और घर वाले कह रहे हैं कि भाई जाना है सिस्टर के घर, बड़ी वाली सिस्टर के घर जा रहे हैं, सब तैयारियां कर रहे हैं। अनाबिया भी यहाँ पे रेडी है। अनाबिया बिल्कुल तैयारी है ना? बिल्कुल तैयारी है, और अभी तो बुरखा पहनी हूँ और अब बस निकल रहे हैं, और आप भी जल्दी से रेडी हो जाओ। शेबिया मैं तो रेडी हूँ बेटा। उमर रेडी हो गया? उमर जा रहे हो ना फिर? हाँ, बाल वाल कैसे यार कटवाओ यार, अजीब से लग रहे हो। खाने पीने का सीन तो है ना? बस बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। खाने पीने का होगा, उसको छोड़ो आप। जाएंगे इतना दूर, खाने पीने का सीन नहीं होगा कोई। शिविया हाँ। यार मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ना जोकरन को कोई आइडिया ही नहीं कि हम लोग के घर जा रहे हैं। जोकरन को मैंने बताया ही नहीं था। पॉल ने जिस दिन उसको कर रहा कि हाँ बोला कि वीडियो कॉल पे कि खाला आप मेरे घर आओ, खाला आप मेरे घर आओ, मैं बोला मैं नहीं आ सकती, और आज हम लोग जा रहे हैं, उसको पता ही नहीं है, जाकर सरप्राइज देंगे, देखते उसका रिएक्शन कैसा होता है। अच्छा चलो सब रेडी हो, सबको बोलो। सो भाई मैं तो जा रहा हूँ नीचे, ये लोग आ रहे हैं, फिर इनका वेट करते हैं। भाई यहाँ से सिस्टर के घर की ड्राइव पौन घंटा एक घंटा है, बट अगर ट्रैफिक हो तो फिर गया आपका एक घंटे से ऊपर, डेढ़ घंटा, कुछ नहीं कह सकते। बस हम इन लोगों का वेट कर रहा हूँ, ये लोग जल्दी आए तो फिर चलते हैं। A few moments later. चलो भाई लेट्स गो। यार शिवे जल्दी चलाओ, हमें जल्दी पहुँचना है यार। चला तो रहो बेटा, उड़ाओ उड़ाओ, चला उड़ाते रहो, मेरे को बहुत जल्दी हो रही है सुल्तान से मिलने की। मम्मा मुझे इस्लामियत कह, मुझे याद है बस। तो बेटा आपने मुझे कहा था कि मैं भूल गई कॉपी, अब मैं याद नहीं करूँगी। क्यों क्यों भूल गई आप? आपको लेनी थी ना अनाबिया। यार शिव एक काम करो, रास्ते से नहीं दिला दो। जाओ मन लेकर आओ गिलास। फ्रूट लेकर पहुंचो गाड़ी के बाद, मैं जा रहा हूँ। आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ, इतनी देर कर दी यार, बोला ना फटाफट ले लेना। चलो उमर जल्दी खोलो बेटा पूरा गेट। शाबाश। चलो चलो अभी उतरो जल्दी, फुटुट उठा लो वो। यार वो भी मैं ही उठाऊं, आप उतरो। घूम रहे थे, खेल रहे थे आप, हैं? आयशा भी आ गई, रोना नहीं। इशु इशु पहचानती नहीं अभी हमें, इशु क्या करें यार, इसका उम्र पहचानते क्यों नहीं है, हैं? अभी बड़ी होगी तो पहचानेगी। उसको देखो उसको देखो। चलो चलो। शरारतें शुरू हो गई आपकी, ये शरारतें चल रही होती होंगी घर में हर वक्त, बहुत तंग करते होगे मम्मा को, हैं? खड़ा किसे चुपचाप। अच्छा आपको पता था हमारे, पता था इसको बता दिया था किसी ने। चलो शुगर हंसना तो शुरू हो गई। ओए गिर जाएगा, नहीं करो गिर जाएगा, झूला लगाया बता यहाँ पे, रस्सी टूट गई, ढस गया अंदर। वाह यार जूता ने ना, आप तो फुल मस्त माहौल में जीते हो यहाँ पे। तो व्यूअर्स यहाँ पर अभी हम निकले अपने कजन के साथ बाइक पे, और ये हमें घुमा रहे अपना इलाका। तो ये सकेशन का इलाका है, चलते अभी कहाँ लेके जा रहे हैं देखते हैं। जुनेद भाई क्या क्या लिया है यार आपको? यार ये आपकी बहन के हैं खर्चे, हम यार तो करती नहीं है वो, तो कर रहे हैं। अच्छा A few moments later. और जुनेद भाई आखिरी आखिरी बार बस देख लो, एक दो दिन ही है आपके, फिर जो है आप पाकिस्तान को अलविदा कह रहे हो। जुनेद भाई अपना जो है टूर करवा रहे हैं और उसी हवाले से बात कर रहे हैं। ये भाई मेरे कजन है जुनेद भाई, सो सही जो मैं आया हूँ ना आज इन्हीं से मिलने आया, क्योंकि सिस्टर के घर ही आया हूँ, लेकिन इनसे मिलना लाजमी था क्योंकि ये जो है जा रहे हैं सऊदी अरब, और कुछ पता नहीं कितने टाइम बाद आए, जॉब के सिलसिले में माशाल्लाह से भाई की जॉब लग गई है, अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। और जुनैद भाई कुछ कहेंगे? यार मिलना तो आपसे भाई से था, आपसे वादा किया था, तीन दिन से आ रहा हूँ, वो नहीं आया, तुम आ गए, बड़ी खुशी हुई तुम आ गए, उससे तो बात रहेगी। अच्छा गिला शिकवा है उससे। उसामा भाई पे भाई हट गई इनकी, बोलने उसामा भाई नहीं आए। आयशा अपने दादा के साथ खेल लिए। क्या हुआ सुल्तान, यहाँ क्यों बिछवा रहे हो आप यार?
है जुनैद भाई, अंदर क्यों नहीं, बाहर ये खाने? ज्यादा गर्मी हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, बाहर खाने का मूड है भाई। जुनैद भाई ने इतनी तकलीफ करी, क्या क्या लिया है यार हमारे लिए? यार शबे यहाँ पे खाने का मजा फुल है, हवा भी आ रही है, हवा है, दरख्त है, नारियल है, पूरा व्यू एंजॉय करके ऐसा लगता है पार्क में खा रहे हैं। हाँ पार्क में आए हुए, लेकिन हमारे घर में तो बंद हो गए, खाओ बस। बात तो सही है। अरे भाई जान क्या तोड़ रहे हो यहाँ पे? भाई ये तुम्हारे लिए कड़ी पत्ते के। अच्छा, से मैं कड़ी पत्ते ताजा ताजा। ओए होए होए, हाँ ये अब हम लेके जाएंगे फ्रेश कड़ी पत्ते घर पे। ये है जुल्कनिन के दादा और हम इनको कहते हैं प्यार से भाईजान। ये भाईजान ये जो नारियल भी तोड़ते हैं, हर चीज करते हैं। नारियल का पेड़ तो बहुत ऊंचा है यार, क्या कह रहे? ये पहले मैं तोड़ता था, खुद ऊपर जाके तोड़ता था नारियल। हाँ नारियल भाई, अब आप बुढ़े हो गए हो, चला नहीं जाता। अच्छा 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 अच्छा, अनाबिया कहाँ घूम रही हो बेटा? आ गए भाई सब आ गए। इशू रोना शुरू हो गई क्या? उठाओ उठाओ अपनी अपनी चाय उठाओ। उमर यहाँ भी शुरू हो गया अब। जुनैद भाई बस आखिरी के दिन चल रहे हैं पाकिस्तान में। जुनैद भाई ये कराची का माहौल, पठानों का होटल, क्या क्या फील करोगे वहाँ जाकर? ये बहुत मिस तो करोगे आप? मिस तो करूंगा, ज्यादातर अपनी अम्मी को मिस करूंगा, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल अकेला छोड़ा नहीं है। अच्छा फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम मैं बाहर जा रहा हूँ। बाकी है कि टिकट का वेट हो रहा है, टिकट का वेट है, डिले हो गई इनकी, कल की थी डिले हो गई, इंतजार हो नहीं रहा। चलो अभी तो हम घर चल रहे हैं, होटल पे आए हुए थे जरा। चलो बेटा उमर सबने खा लिया यार, अब आप भी रेडी हो जल्दी घर जाने के लिए वापस। चलो नाबिया अलविदा कह दो। सो गई मुन्नी? सो भी गई है। ठीक है जुनैद भाई, अलविदा करते हैं फिर, आपको अल्लाह पाक कामयाब करे। बिल्कुल बिल्कुल भाई जान, अल्लाह हाफिज़। आना फिर आना यार, इंशाल्लाह टाइम लेके आ गए यार। बैठो जल्दी बैठो यार, उमर आ जाओ, नजर रखो उमर मीटर। चलो भाई पेट्रोल भी मुक गया। ये है भाई हमारा ट्रैफिक, बिल्कुल जैम। क्या करें यार उमर, क्या कर सकते हैं? अशर भाई गाड़ी में बूस्टर तो लगा नहीं सकते यार, अच्छे भी इतना गंदा ट्रैफिक, क्या कर सकते हैं बेटा? अगर गाड़ी टेढ़ी हो गई तो? हाँ इंशाल्लाह नहीं होगी। अभी अभी मैंने अच्छे भी देखा, एक सुजुकी यू करके गई। मतलब एक तो यहाँ खट्टा बीच में बाइक है, किसी को टच ना हो जाए। वो तो शुक्र है अल्लाह पाक ने निकाल लिया, बहुत ज्यादा। मैं तो इतनी बुरी चिल्लाई हूँ। पहुंच गया हूँ भाई घर पे। क्या वो सामा भाई सेट है सब? वही बार बार उसका फोन आ रहा था। अच्छा जाना है आपको पार्टी ना? तो भाई अब मैं बैठ गया शॉप पे, उसामा भाई को छोड़ दिया। क्या देनी है? कढ़ाई दे दे, दाल कर दे उसके बाद। और ताहिर उस्ताद आ गए आप? कहाँ हो तुम, कहाँ हो? अबे यार क्या बता, तेज हो रहे हो? हाँ तेज हो रहा, मतलब तेज क्या, ये कौन सी जबान? क्रिमिनलिटी वाली यूज कर? नहीं के, उसको मैं जानता नहीं हूँ। तेज हो रहे हो यानी नवाब बने हो, कुछ पता ही नहीं है। दुकान पर 8 बज रहे हैं अभी, काम का टाइम हो रहा है आपका। 200-250 रुपये यार। अशर भाई एक मोबाइल दिला दो, मोबाइल दिला दो एक यार। कौन सा मोबाइल चाहिए? बेच दिया तुमने अपना वाला? वो बेच दिया, दूसरा लेना है, आईफोन लेना है। ये मामला चल रहा है, आईफोन लेना है। कौन सा वाला? कोई भी, यानी अच्छा रिजल्ट हो, 15 प्रो। थोड़ा सा वेट कर लो, 15 प्रो मैक्स लॉन्च हो रहा है। नहीं, मैं नहीं मानता। और परिजात फोड़म फोड़ी चल रही है, फोड़म फोड़ी फुल। देखो यार इतनी गंदगी यार, मुंह से खाओ यार, मुंह से खाओ, मुंह से। वो आप क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा, वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हाँ भाई पहुंच गया हूँ फिर से घर पे, जैसे कि रोज आता हूँ। मुईज भाई यहाँ बैठे हुए हैं। मुईज भाई अभी तक तुम घर नहीं गए, अभी आयो? कब आयो, कितनी देर हुई? हम लोग गए थे दो दो। हाँ यार तुम्हें बर्थडे भी मुबारक हो, पहले भी दे दी थी, अभी व्लॉग में भी दे रहा हूँ। और आपका भाई 18 साल का हो चुका है। 18 साल का? 18 18 साल के हो गए तुम यार। तुम वैसे देखने में तो 28-30 साल के लगते हो। अबे बस कर दो, 28-30 साल के बना दिए इसने तो मेरे को। और उम्र पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? आप वहाँ से आए उसके बाद? ये मैं याद ही कर रहा हूँ, याद ही यार नहीं कर... क्या आप लोग पिक्चर्स ले लेते हो फिर याद कर रहे हो? याद ही नहीं मुझे। कल टेस्ट है ना? कल टेस्ट है। और अनाबिया सो गई थी फिर? मैं तो शॉप पे चला गया था भाई आते के साथ ही, हम लोग वहाँ से आए। सिस्टर लोग और अनाबिया लेटे सो गई। अच्छा अभी गए ऊपर वाले कमरे में ना? हाँ मुईज भाई तुम्हें भी नींद आ रही है बेटा, ये तरीका सही नहीं है। तस्वीर क्या ये बड़ी गंदी आदत हो जाती है मेरे साथ भी, ये सीन होता है। अच्छा मैं कोचिंग जाता हूँ ना, हाँ। तो वहाँ पे जाके ना सर पूरा लेक्चर देते हैं, बोर्ड के ऊपर लिख लेते हैं, सही है। हाँ। मैं लिखता नहीं हूँ, मेरे को वो होती है, मतलब क्या बोलते हैं, अलकसी। हाँ वैसे तू थोड़ा सा आराम टाइप का, तो मुझे क्या करता हूँ तस्वीरें ले लेता हूँ, सारा काम हो गया। हाँ। तो उसके बाद वो मोबाइल में पड़ी रहती है, वो खोलते नहीं हूँ उसको। अच्छा जब हाँ। ना जब 6 में मैं अभी फोन नहीं ले आ सकता, वरना मैं भी यही करता। कौन इतनी ख्वारियाँ उठाए? ख्वारियाँ क्या बेटा, यही तो पढ़ाई है, यही लिखने की जो स्पीड आपकी डेवलप होगी, ये सब चीजें हैं। मुझे आप पढ़ गए आप सेकंड ईयर में, यार क्लास में वैसे यार आपने बात बहुत अच्छी करी। आप जिसामत के हिसाब से मोटे हो, लेकिन बात भी बड़ी मोटी करते हो। उमर भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो बेटा? ऊपर वाले कमरे में जा रहा हूँ सोने के लिए। क्यों हालत टाइट हो गई, नींद आ रही?
मुंह भी अच्छा नहीं लग रहा, मर जाओ यहाँ से। गजब बेइज्जती है। और मुइज भाई भी जा रहे हैं। मुइज भाई खैरियत से जाना, रात ज्यादा हो गई है। और नीचे कोई दरवाजा खुला हुआ है, गेट खुला हुआ है, मेन गेट? हाँ शायद खुला हुआ होगा, मेन गेट खुला हुआ है, डबल लॉक नहीं है। बाकी हाँ कल मिलते हैं, चल सही है। सो यार मैं भी यहाँ पे व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे करना ना भूलना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके अल्लाह हाफिज़।